लेकिन वेट, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी बहुत कुछ है जो करना बाकी है, क्योंकि भारत के बढ़ते हुए एंटरटेनमेंट एपेटाइट का डेटा तो आपने डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन खाने के बाद जैसे कहते हैं कि कुछ मीठा हो जाए, तो आइए कुछ ऐसा आपको बताती हूं जो कुछ लोगों को आज शायद थोड़ा सा तीखा लगे। लेकिन ये जानकारी सरकार तक पहुंचाने के लिए आपके बीच इसकी चर्चा शुरू हो, और इन सब के लिए जरूरी है इस पर बात करना, क्योंकि अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो बदलाव आएगा कैसे। और ऐसे में आज हमने जिन जगह सुधारों की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की उसका एक डेटा निकाला है, और वो भारत का परिवहन क्षेत्र है जो कि बदलाव की मांग कर रहा है, क्योंकि परिवहन क्षेत्र देश के आर्थिक सेक्टर की रीढ़ की हड्डी होता है। और ऐसे में भारत में बदलावों की कहानी बिना ट्रक ड्राइवर्स की तकदीर बदले पूरी नहीं हो सकती है। दरअसल भारत में ट्रक का मतलब है वो खस्ता हाल वाहन जिसमें सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इन ट्रक में ड्राइवर्स को ना तो आराम करने की सुविधा मिलती है, ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी मिलती है। लेकिन भारत से करीब 11,000 किलोमीटर दूर इसी दुनिया में अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर होने का मतलब है शानदार जिंदगी जीना, अच्छे घर में रहना, महंगी गाड़ियां खरीदना और ऐसे ट्रक चलाना जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो और सुविधाजनक भी हो, कंफर्टेबल भी हो। भारत में करीब 50 लाख ट्रक ड्राइवर हैं, अमेरिका में करीब 30 लाख 50 हजार ट्रक ड्राइवर हैं। भारत में ट्रक औसतन करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाते हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रक की एवरेज स्पीड करीब 88 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। अमेरिका में 36,000 किलो तक का वजन ले जा रहे ट्रक के लिए निर्धारित मैक्सिमम स्पीड 104 से 136 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और भारत में ट्रक के लिए यह सीमा 40 से 50 किलोमीटर बराबर है। भारत के सुस्त और पुराने ट्रक एक दिन में सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर पाते हैं, जबकि अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर बिना थके 700 से 800 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेता है। अमेरिका के 30 लाख 50 हजार ड्राइवर्स में से 1 लाख 50 हजार महिलाएं हैं, और अगर आप भारत में देखेंगे तो आपको गिनी चुनी महिला ट्रक ड्राइवर्स नजर आएंगी। भोपाल की योगिता रघुवंशी को भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर माना जाता है। योगिता ने साल 2000 में अपने पति की मौत के बाद ट्रक चलाना शुरू किया था। भारत में ट्रक ड्राइवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए घंटे फिक्स नहीं है, और ज्यादातर ट्रक ड्राइवर्स एक दिन में करीब 14 से 17 घंटे तक लगातार ट्रक चलाने के लिए मजबूर हैं। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स के लिए 11 से 12 घंटे ट्रक चलाने के बाद 10 घंटे रेस्टिंग पीरियड है, और ये कंपल्सरी है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर्स को लॉग बुक में एंट्री करते हुए बाकायदा ये बताना होता है कि उन्होंने आज कितने घंटे ट्रक को ड्राइव किया, चलाया, और कितने घंटे फिर आराम किया। जहां पर 10 घंटे का रेस्ट ना लेने पर इसे कानून का उल्लंघन माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ट्रक ड्राइवर्स के लिए 5 घंटे की ड्राइविंग के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना कंपलसरी है, और एक ट्रक ड्राइवर को हफ्ते में एक दिन पूरे 24 घंटे के लिए अपने ट्रक से दूर रहना होता है, यानी कि उसे एक दिन बिना ड्राइविंग के छुट्टी लेकर बिताना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से कनाडा में कोई भी ट्रक ड्राइवर 13 घंटे की लगातार ड्राइविंग करने के बाद इससे ज्यादा ड्राइविंग नहीं कर सकता है।